दोस्तों हम लोग तैयार हो गए, अब स्विमिंग पूल के नज़दीक में आ गए हैं। सूर भी लगाना शुरू कर दिए अंदर पानी के अंदर। सब दोस्त बहुत मज़ा ले रहे हैं और इस समय हम समुद्र तल की 2600 फीट की ऊंचाई पे हैं। बहुत ठंडा वातावरण है यहाँ का। सब लोग स्विमिंग पूल में इस समय आ गए हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सब लोग मज़ा ले रहे हैं। और दोस्तों देखिए, हमारे कुछ दोस्त बाहर खड़े हैं। माथेरान में स्विमिंग पूल का मज़ा ही कुछ निराला है। ये राजकुमार अगोर रहा है कि कब अंदर जाऊं। जीतू की तो हाइट इतनी है, दाब दुबा के सब पूरा कर लेता है। रामू जी पकड़ के खड़े हैं चबत के। ये देखो, ये रहा रहीस, ये राजकुमार, ये देखिए, अभी भी राजकुमार बैठा है। ये देखा, दोनों तैरने बता रहे हैं। नीचे 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 नीचे, अच्छा पानी में ऐसे, और पैर भी लाने को, पैर भी बुढ़ापे में तैरने बताता है। राजकुमार अभी बम्बू पकड़ के बैठा है वहाँ पे, हिम्मत नहीं हो रही है। ये देखो यहाँ पे हाथ करने का। अब क्या सीख रहा है बुढ़ौती में? सीखेगा ना भाई। हाँ सीख भाई, वो ए भाई निकाल के रख, मेरे को जान दे, 2 मिनट निकाल के रख। मस्त गेम खेलना, हिलना एक चालू है ना। मार मार उड़ी मार। धीरे धीरे आएगा। सबसे पहले उल्टा इजी होता है उल्टा। पानी में आ गए हैं स्विमिंग पूल में, माथेरान के स्विमिंग पूल में। मजा आ रहा है। ये रहा रहीस भाई, नहा रहे हैं कि घूम रहे हैं? ये और बच्चे लोग भी यहाँ पे नहा रहे हैं और हम बड़े लोग भी नहा रहे हैं। ये कौन है? जीतू दबंग। जीतू दबंग और राजकुमार वहीं पे बैठ के ताक रहा है कब कैसे क्या है। वो भी नहा लिया बेचारा। ये देखिए, ऐसा लगता है पानी पानी की ना। छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ पे देखिए, बहुत मेहनत से ब्लॉग बना रहा हूँ। बात हम लोग इस समय स्विमिंग पूल के अंदर पूरा मजा ले रहे हैं। सब लोग नहा रहे हैं। जो रास्ते की थकान है नहाने के बाद पूर्ण रूप से गायब हो चुकी है। और यहाँ पे सब लोग अपने अपने ढंग से पूरा मज़ा ले रहे हैं। पुल भी अपने हिसाब से पहले थोड़ा गहरा है, उसके बाद में ज़्यादा गहरा है। तैरने की भरपूर सुविधा है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे देखिए बॉल खेल रहे हैं और नहाने का इतना बड़ा लुत्फ़ ले रहे हैं हम लोग माथेरान पे। आप लोग भी आइए स्विमिंग पूल में हमारे साथ में, इंजॉय करिए दोस्तों। बहुत अच्छी जगह है माथेरान का। इसके बाद हम लोग खाने पीने का कुछ तैयारी करेंगे और उसके उपरांत हम लोग निकलेंगे कहीं बाहर घूमने को। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे दबंग चैनल को सपोर्ट कीजिए। दबंग चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको अच्छी अच्छी और चीज़ें भी दिखा सकता हूँ। हमारे साथ में बहुत से दोस्त लोग जुड़ रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। रहीस, राजकुमार दोनों आराम से बैठे। अब तुम्हारा है पकड़ में आएगी तो उसे गुजर जाए।
अरे यार तुझे डुबा दिया, ये क्या कर रहा है? बस रामू जी को डुबा दिया यहाँ पे। बंद क्या हुआ? ये बंद हो गया होगा, दिख नहीं रहा। डूब ले रहे भाई, सन बात ले रहे, सन बात। खूब मजा ले रहे हैं यहाँ पर नहाने का स्विमिंग पूल में, और सबकी बड़ी ख्वाहिश भी थी। जब हम लोग निकले थे वहाँ से तो सब लोग बोल रहे थे स्विमिंग पूल है क्या होटल में, और होटल भी बहुत ही अच्छा है, लॉन पैसेज, और यहाँ पे जो और भी सुविधाएं हैं, कैरम बोर्ड खेलने की सुविधाएं हैं, बाहर झूला लगा हुआ है, बैडमिंटन खेलो, और परिसर बहुत इसका स्वच्छ है और बहुत बड़ा है। दोस्तों यहाँ पे घूमने का बहुत ही मज़ा आएगा, आप लोग हमारे साथ में बने रहिए। कुछ लोग नहा के थक गए हैं और सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त लोग यहाँ पे पहले ही इन्होंने यही पूछा था कि जहाँ पे हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल है ना, तो हमारे रईस भाई ने बोला हाँ स्विमिंग पूल की वहाँ पे व्यवस्था है, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे और भी व्यवस्थाएं हैं। हम लोग अभी सब पूरा नहाने का मज़ा सब लोग मिलकर ले रहे हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं माथेरान में, एकदम मुख्य जगह पर आ गए हैं, और मुख्य जो बाज़ार है यहाँ का हम आपको दिखाएँगे, उसके जस्ट बगल में हमने होटल लिया है स्प्रिंगवुड, बहुत ही अच्छा होटल है। यहाँ का परिसर बहुत साफ सुथरा और स्वच्छ भी है। हम लोग सब मिलके अभी नहाने में तल्लीन हैं, नहाने का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि सबकी यही ख्वाहिश थी कि जहाँ पे हम रुके स्विमिंग पूल हो, तो स्विमिंग पूल है अभी नहाने का। ऐसे चलो मैं भी थोड़ा पानी में कूदूँ, उड़ी मारूँ, मज़ा लूँ दोस्तों, फिर सेकंड पॉइंट पे किसी को आप लोग के साथ में फिर मिलता हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, ये जगह ही ऐसी ना उमस, ऑक्सीजन तो बहुत भरपूर है, लग रहा है सांस लेते हम लोग को पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। चलिए दोस्तों नहाने का कार्यक्रम सबका पूर्ण हो चुका, सब थक भी चुके हैं, कम से कम 2-2.5 घंटे से सब लोग नहा रहे हैं। अब हम लोग जहाँ पे हमारे खाने की व्यवस्था है वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ का देखते हैं क्या बात है। यहाँ पे भी हम फाइनल अपने जहाँ पे रूम लिए हैं उस लॉन में आ गए हैं, लॉन के अंदर सब लोग कपड़े बदली करेंगे। ये देखिए बाहर का नज़ारा, सब लोग घोड़े एकदम सामने ही है हमारे, पूरा मेन रोड पर हमने अपना कमरा लिया है, सब घोड़े से यहाँ पर सामान भी लाया जाता है और घोड़े से लोग चलते भी है, क्योंकि ये पर्यावरण जो है प्रदूषण मुक्त रखने का पूरा प्रयास किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे किसी तरह का वाहन अंदर चलाना वर्जित है, लोग यहाँ पे या तो घोड़े से चलते हैं या तो पैदल चलते हैं, और बहुत ही सुंदर पर्यावरण की यहाँ पे व्यवस्था है। बहुत ही स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि कोई भी यहाँ पे बाइक ला ही नहीं सकता है, या कोई भी गैस की गाड़ी हो, पेट्रोल की गाड़ी हो, डीजल की गाड़ी हो, यहाँ पे नहीं चलाता। लोग देखिए घोड़े का लुत्फ़ उठा रहे हैं। मैं कपड़ा बदली करने के लिए सब लोग जीतू भाई अंदर आ गए, सब लोग अपना अपना कपड़ा बदली करने के बाद सब खाने की टेबल पे उपस्थित होंगे, और हम लोग भी वहीं पे पहुँचते हैं। तो अब हम खाने नहाने के बाद में थोड़ा आराम करने के बाद निकल रहे हैं, और 2-4 पॉइंट जो वहाँ पर हैं मुख्य बाज़ार के बाद इको पॉइंट है। दोस्तों नमस्कार, शाम का समय है, आ गए हैं जो टॉय ट्रेन है उसके लास्ट स्टॉप पे, अभी खाना पीना खा के सो के घूम के टहल के, और ये देखिए हमारे सामने शेर की प्रतिमूर्ति है, बढ़िया सुंदर, और ये सामने से आई लव माथेरान, ये देखिए यहाँ पे आई लव माथेरान, और फिर इसके बाद में हम निकलते हैं। यहाँ पे टॉय ट्रेन का ये लास्ट स्टॉप है, बहुत से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, शाम का समय है, ये मेरे मित्र लोग भी पीछे से आ रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे दोस्तों। ये लास्ट स्टॉप है यहाँ का माथेरान रेलवे स्टेशन, ये यहाँ पे देखिए ये ट्रैक पूरा, इसके आगे फिर बंद होता है। अब हम लोग 2-4 पॉइंट जितना कर सकते हैं उसके लिए फिर हम आगे निकलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको आगे। दोस्तों तो फाइनली हम लोग माथेरान स्टेशन पे पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे पुराने इंजन शो के लिए एक रखा गया है, प्लेटफॉर्म भी बहुत सुंदर बनाया गया है, और दोस्तों ये ब्रिटिश काल से ही जो यहाँ पे
टॉय ट्रेन हो या बहुत से यहाँ पे इमारतें हैं वो ब्रिटिश काल से जो बनी हुई थी वही अभी भी दिखती हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा 1857 की भी इमारत जिस होटल में हम रुके हैं उसका भी निर्माण जो है 1857 में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे परिसर बहुत ही सुंदर है, घूमने लायक जगह है। और ये देखिए एक रेलवे का टॉय ट्रेन का इंजन यहाँ पे रखा है, लोग आते हैं इसके साथ में सेल्फी फ़ोटो लेते हैं। और बहुत ही सजावट के साथ यहाँ पे छोटे छोटे मकान बनाए गए हैं जो सेंट्रल रेलवे के द्वारा यहाँ पे संचालित किया जाता है। और ये जो टॉय ट्रेन का इंजन यहाँ पे रखा गया है बहुत सुंदर है। हमारा दोस्त राजकुमार शायद इंजन को चालू करने जा रहा है, बहुत ही उत्साहपूर्वक इंजन के बगल में जाके खड़ा हुआ है। रईस भाई भी देख रहे हैं कि क्या करना है आगे। और दोस्तों ये जो माथेरान का लास्ट स्टॉप है इसके बाद में यहाँ पे बहुत से पॉइंट हैं मुख्य बाज़ार से होते हुए जो गुजरना है। हम लोग आगे निकल के आपको मुख्य बाज़ार के बारे में जानकारी देंगे, खंडाला पॉइंट के बारे में जानकारी देंगे, पांडे गार्डन यहाँ पे है उसके बारे में जानकारी देंगे, इको पॉइंट है और बहुत से यहाँ पे और भी पॉइंट है। हम सब लोग वहाँ पे घूमेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को